नमस्कार यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। अगर ट्रेन में आपकी सीट कंफर्म नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी रिश्वत तैयार रखनी है और ट्रेन में चढ़ जाना है। वहां टीटी साहब आपको कंफर्म सीट दिलवा देंगे, उसके बदले में वो भी कुछ कमाई कर लेंगे। हालांकि इसका रेलवे से कोई लेना देना नहीं होगा। धन्यवाद। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के अंदर टीटी सीट के बदले यात्रियों से पैसे वसूल रहा है। हम आपको ये पूरा मामला बताएं, उससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। असल में ये वायरल वीडियो प्रयागराज से सहारनपुर के बीच चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टीटी ने बरेली के आसपास ट्रेन के कोच नंबर B2 में इस अवैध वसूली को अंजाम दिया, जिसका किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टीटी सीट दिलवाने के नाम पर यात्रियों से पैसों की वसूली कर रहा है। टीटी यात्री से पूछता है कि आपको हापुड़ उतरना है या मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। यात्री से रुपए लेने के बाद वो अपना टैबलेट दिखाते हुए बोलता है, अब चार्ट वाला सिस्टम गया, आप आराम से सो जाइए। यात्री पूछता है कि रास्ते में कोई और परेशान तो नहीं करेगा। इस पर टीटी कहता है, मेरी पूरी गारंटी है। जिस पर यात्री कहता है, जब तुम हो तो कोई चिंता नहीं। कोई और तो नहीं आगे परेशान करने का था? नहीं, हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, तो दिन में कोई मेरठ से मेरे क्या हापुड़ तक की, हापुड़ से मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि हापुड़ से जंक्शन कौन सा स्टेशन है, भगवान न करे। ये आजकल क्या है कि इसको उठाते हैं हमारे, इसको इसको उठा के यों किलो करी और ये सीट खाली हो गई है। अच्छा, ये इसे देख लेता है, फट दे उठा लेता है अधिकारी, भाई आपका क्या है। हालांकि रेलवे विभाग तक जब ये वीडियो पहुंचा तो इसकी जांच की गई और वीडियो सही पाए जाने के बाद रिश्वत लेने वाले टीटी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये एक इकलौता मामला नहीं है। अगर आपने भी कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि अक्सर इस तरह की घटनाएं चलती ट्रेनों में होती हैं। हर रोज लाखों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं, इसमें से कईयों के पास टिकट नहीं होता। हालांकि बिना टिकट यात्रा करने से नुकसान रेलवे को ही होता है, इसलिए बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से फाइन वसूला जाता है। लेकिन फाइन के नाम पर अगर रेलवे के सरकारी मुलाजिम ही अपनी जेबें गर्म करने लग जाएं तो क्या ही कीजिएगा। कोई और तो नहीं आगे परेशान करने का था? नहीं, हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, तो दिन में कोई
मेरठ से, मेरे का हापुड़ तक, हापुड़ से मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि हापुड़ से जंक्शन कौन सा स्टेशन है, भगवान न करे। ये आजकल क्या है कि इसको उठाते हैं हमारे, इसको उसको इसको उठा के यों क्लिक करी और ये सीट खाली हो गई है। अच्छा, ये इसे देख लेता है, फट दे उठा लेता है अधिकारी को, तो भाई आपका क्या है चक्कर में आजकल वो चाट वाला सिस्टम चला गया। जब तुम हो तो फिर हमें कोई नहीं, आप छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चक्कर से डाल लो, अजी लो कम्बल में उड़ ना, कम्बल में ऐसा रहता है, उड़ लेंगे चक्कर उड़ देना, ये उड़ लेंगे, ये बिछा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।